जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के लिए अच्छे से बेहतर करने के लिए हमें चार स्किल में काम करना होता है। हर लैंग्वेज के फोर स्किल होते हैं, जिसमें पहला है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक चाइल्डहुड में एक बच्चा सबसे पहले वह शब्दों को सुनता है, फिर उसके बाद बोलता है। वह जन्म से ही पढ़ना और लिखना शुरू नहीं कर देता है, वह सबसे पहले शब्दों को सुनता है, फिर उसके एक्वायर करने के बाद वह बोलने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज इंग्लिश हमारे लिए नहीं है, तो हम सबसे पहले इन्हें सुनने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम ऑडियो लिसन या कोई बात कर रहा है तो हम उसे सुनने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके प्रोनंसिएशन को ध्यान से सुनते हुए हम बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी से रिलेटेड हम ये सीरीज लेके आए हैं, जो क्वेश्चन हैं जो आप सुनेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कान पे वह साउंड बार बार आएगा, तो प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा, और जब बोलेंगे तो आपके बोलने की स्पीकिंग की स्किल अच्छी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एम आई टेल, क्या मैं लंबा हूँ? तो आप इसे कंप्लीट आंसर दीजिएगा। यदि आप लंबे हैं तो आप कह सकते हैं यस आई एम टेल, यदि आप नहीं हैं तो आप आंसर दे सकते हैं नो आई एम नॉट टेल। सेकेंड क्वेश्चन, एम आई रीडिंग करेक्टली, क्या मैं सही से पढ़ रहा हूँ? यदि सही से आप पढ़ रहे हैं तो आंसर दे सकते हैं। आपको दोनों तरीके से आंसर देते आना चाहिए और कंप्लीट आंसर दीजिए ताकि आपकी पकड़ बनी रहे। यस आई एम रीडिंग करेक्टली, यदि नहीं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट रीडिंग करेक्टली। थर्ड क्वेश्चन है, एम आई फास्ट एट रीडिंग, क्या मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ? यदि आप तेजी से पढ़ रहे हैं तो आंसर दे सकते हैं। आपकी चॉइस है इस यस या नो में कोई भी दे सकते हैं। यस आई एम फास्ट एट रीडिंग, यदि नहीं देना है नो कहना है तो आप कहेंगे पहले नो आई एम नॉट फास्ट एट रीडिंग। फोर्थ क्वेश्चन, एम आई फैट, क्या मैं मोटा हूँ? तो आंसर दे सकते हैं यस आई एम फैट, और ये भी आंसर दे सकते हैं नो आई एम नॉट फैट। फिफ्थ क्वेश्चन, एम आई एबल टू डू दी वर्क, क्या मैं यह काम करने में सक्षम हूँ? यस आई एम एबल टू डू दी वर्क, नो आई एम नॉट एबल टू डू दी वर्क। सिक्स क्वेश्चन, एम आई ऑल राइट, क्या मैं ठीक हूँ? तो आप आंसर कर सकते हैं यस आई एम ऑल राइट, यदि नहीं है तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट ऑल राइट। सेवन्थ क्वेश्चन, एम आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या मुझे संगीत पसंद है? यस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हाँ मुझे पसंद है, यदि नहीं तो नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। एट क्वेश्चन, एम आई ओल्डर देन यू, क्या मैं आपसे बड़ा हूँ? यदि है तो आप कह सकते हैं यस आई एम ओल्डर देन यू, यदि नहीं तो नो आई एम नॉट ओल्डर देन यू। थैंक यू।